योगा के कई पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रूव्ड बैलेंस, बेटर पोस्चर, स्ट्रेस रिलीफ। लेकिन एक ऐसा बेनिफिट जो कि उन लोगों में इंटरेस्ट जनरेट करेगा जो ऑलरेडी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो है स्ट्रेंथ इन बोन्स एंड मसल्स। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जिन्होंने अभी अभी कोई फिटनेस रूटीन स्टार्ट किया है और वो अपना स्ट्रेंथ और स्टैमिना बिल्ड करना चाहते हैं। इस वीडियो में दिखाए जाने वाले योगा पोजेस की रेगुलर प्रैक्टिस से आपका मसल एंड्योरेंस और स्टैमिना इंक्रीज होगा, आपके आर्म्स, शोल्डर्स, कोर्स और लेग्स स्ट्रांग बनेंगे। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, इन पोजेस को लंबे समय तक होल्ड करिए, उनकी रेपिटेशंस को बढ़ाइए टू फील द प्रॉपर बर्न। अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हफ्ते में एक या दो दिन इन योगा पोजेस को डेडिकेट करिए टू सी द ग्रेट डील ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर ओवरऑल स्ट्रेंथ। सबसे पहला पोज है वॉरियर 2, अ वेरी गुड पोज टू स्ट्रेंथन योर लेग्स, ग्लूट्स एंड आर्म्स। इसके लिए आप सबसे पहले वाइड स्टैंस में खड़े हो जाइए, आपके पैरों में 4 to 5 feet ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए, हील्स कम्प्लीटली अलाइंड विद ईच अदर। अपने राइट फुट को 90 डिग्रीज की तरफ टर्न करिए और बैक फुट को 45 डिग्री एंगल पर रखिए। फिर अपनी दोनों बाजुओं को इस तरह से शोल्डर हाइट पे उठाइए सो दैट दे आर पैरेलल टू द फ्लोर। एक्सहेल करते हुए बेंड योर फ्रंट नी टू अलाइन इट विद द एंकल ऑफ योर फ्रंट फुट। अपने बैक लेग को कम्प्लीटली स्ट्रेट रखिए, टर्न योर हेड टू गेज आउट अक्रॉस द टिप ऑफ योर राइट मिडल फिंगर। अपने शोल्डर्स को ड्रॉप रखिए, लिफ्ट योर चेस्ट and make sure that your upper body is completely straight and perpendicular to the floor. आप आगे की तरफ lean नहीं करेंगे। इस pose में 30 seconds to 1 minute hold करिए and then repeat the same thing from the other side. Next है chair pose। ये एक awesome yoga pose है to strength train your entire length of legs. Depending कि आप इस pose को कितना लंबा hold कर पाते हैं, to work up a serious burn in your thighs. इस पोज के लिए आप अपने पैरों को साइड बाय साइड रखते हुए स्ट्रेट खड़े हो जाइए और फिर अपने दोनों आर्म्स को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करिए विद योर पाम्स फेसिंग ईच अदर। धीरे धीरे अपने नीज को बेंड करना स्टार्ट करिए एंड सिट एज डीपली एज यू कैन एज इफ यू आर सिटिंग इनटू अ चेयर बिहाइंड यू। अपने एब्डोमिनल्स को एंगेज करके रखिए एंड होल्ड फॉर एटलीस्ट 10 डीप ब्रेथ्स। Next is dolphin push-up. It's a great exercise which combines the stretch and inversion of dolphin pose with a push-up. ये आपके arms, shoulders और core muscles को strengthen करता है. The basic way to get into this pose is from hand and knees position with your forearms down. फिर अपने hips को आप downward dog position की तरह ऊपर की तरफ उठाइए. अपने fingers को interlaced रखिए और inhale करते हुए bring your body forward to a forearm plank position, जिसमें आपके shoulders directly आपके elbows के ऊपर होंगे. Exhale करते हुए अपने hips को वापस dolphin position में push करिए. Try to do at least 10 reps moving your torso forward to a plank position on the inhale and pushing your hips back to the dolphin on the exhale. नेक्स्ट है बोट पोज। इस पोज में यूज होने वाला बैलेंस आपके बैक मसल्स को प्रॉपरली एंगेज करता है। इस आसन के लिए आप पहले स्ट्रेट बैठ जाइए फ्लोर पे विद योर लेग स्ट्रेच्ड आउट इन फ्रंट ऑफ यू। अपने नीज को बेंड करते हुए अपने लेग्स को लिफ्ट करिए जिससे कि आप अपने बॉडी को अपने टेल बोन पे बैलेंस कर पाए। फिर अपने अपर बैक को लीन बैक करिए और ध्यान रहे कि आपका बैक राउंडेड ना हो। स्ट्रेटन आउट योर लेग्स एंड एंगेज योर एब्डोमिनल्स। अपने हाथों को साइडवेज उठाते हुए उन्हें पैरेलल टू द फ्लोर करिए। ड्रॉ योर चेस्ट टुवर्ड्स योर लेग्स एंड योर लेग्स टुवर्ड्स योर चेस्ट। इस वक्त आपकी बॉडी एक प्रॉपर वी शेप में होगी। होल्ड फॉर एटलीस्ट 10 डीप ब्रेथ्स। नेक्स्ट है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इट्स अ ग्रेट स्ट्रेंथनिंग पोज। इसके लिए आप सबसे पहले टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए जिसमें आपके रिस्ट डायरेक्टली आपके शोल्डर्स के नीचे और नीज डायरेक्टली आपके हिप्स के नीचे होंगे। फिर अपने हाथों से पुश क्रिएट करते हुए लिफ्ट योर हिप्स एंड स्ट्रेटन योर लेग्स। इसमें एक मोस्ट कॉमन इशू जो कि बिगनर्स फेस करते हैं वो ये है कि वो अपने हील्स को प्रॉपरली फ्लोर पे टच नहीं करवा पाते। इसके लिए आप अपनी अपर बॉडी में इस तरीके से पुश क्रिएट करिए कि आप अपने चेस्ट को लेग्स की तरफ ले जा पाएं। दिस विल हेल्प इन स्ट्रेटनिंग योर लेग्स। टेक योर बॉडी वेट बैक टू योर हील्स। इस पोजिशन में एटलीस्ट 20 ब्रेथ्स तक होल्ड करने की कोशिश करिए।
नेक्स्ट है थ्री लेग डॉग। ये डाउनवर्ड डॉग का ही एक और वेरिएशन है जिसमें आप एक लेग को ऊपर की तरफ लिफ्ट करके होल्ड करते हैं टू फील अ प्रॉपर बर्न इन अपर एंड इनर थाई ऑफ योर स्टैंडिंग लेग। इस पोजिशन में भी होल्ड फॉर एटलीस्ट 10 डीप ब्रेथ्स एंड देन स्विच साइड्स एंड होल्ड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट है प्लैंक पोज। ये आपके बॉडी के सारे कोर मसल्स को टोन करता है इंक्लूडिंग एब्डोमेन, चेस्ट एंड लोअर बैक। बिगिन विद योर हैंड्स एंड नीज विद योर रिस्ट डायरेक्टली अंडर योर शोल्डर्स। टक योर टोज एंड स्टेप बैक विद योर फीट ब्रिंगिंग योर बॉडी एंड हेड इनटू वन स्ट्रेट लाइन। अपने थाइस को लिफ्टेड रखिए और ध्यान रहे कि आपके हिप्स नीचे की तरफ सिंक ना हो। आपकी चेस्ट जरूरत से ज़्यादा ऊपर की तरफ लिफ्टेड नहीं होनी चाहिए। कीप योर हेड इन लाइन विद योर स्पाइन एंड कीप योर कोर टाइट। ये आपके आर्म्स, रिस्ट और शोल्डर्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके बॉडी को प्रिपेयर करता है मोर चैलेंजिंग आर्म बैलेंसेस के लिए। नेक्स्ट है फोर लिम्ब्ड स्टाफ पोज। ये आपके एंटायर बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है सिंस इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मसल एक्टिवेशन एंड स्ट्रेंथ। ये पोज ऑलमोस्ट पुशअप्स जैसे होते हैं। इस पोज को आप हाई प्लैंक से स्टार्ट करते हैं जिसमें आपके रिस्ट डायरेक्टली आपके शोल्डर्स के नीचे होते हैं और आपके लेग्स स्ट्रेट होते हैं। एक्सहेल करते हुए बेंड योर एल्बोज एंड लोअर योर शोल्डर्स सो दैट दे आर ऑन द सेम हाइट एज योर एल्बोज। टाइटली स्क्वीज योर एल्बोज इन टुवर्ड्स योर बॉडी। अपनी अपर बॉडी और लेग्स को फ्लोर से कुछ ही इंचेस ऊपर होल्ड करिए। आप अपने सिर को स्लाइटली लिफ्ट कर सकते हैं। होल्ड इन दिस पोज एज लॉन्ग एज यू कैन। नेक्स्ट है कोबरा पोज। ये आपके चेस्ट और शोल्डर्स को ओपन अप करता है और आपके लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस पोज के लिए आप अपने चेस्ट के बल स्ट्रेट लेट जाइए, अपने लेग्स को स्ट्रेट रखिए और अपने हाथों को शोल्डर्स के पास प्लेस्ड रखिए। फिर इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को फ्लोर से ऊपर उठाइए और अपने आर्म्स को स्ट्रेट करने की कोशिश करिए। होल्ड इन दिस पोजिशन फॉर एटलीस्ट 15-30 सेकेंड्स एंड ब्रीथ इजिली। एक्सहेल करते हुए वापस स्टार्टिंग पोजिशन में आ जाइए। नेक्स्ट इज ट्री पोज। ये एक बॉडी बैलेंसिंग पोज है जिसमें आप सबसे पहले स्ट्रेट खड़े हुए फिर अपने राइट फुट के सोल को लेफ्ट लेग के इनर थाई पे बैलेंस करिए। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए ब्रिंग देम टू अ नमस्ते पोजिशन एंड होल्ड इन दिस पोज फॉर एटलीस्ट 10-20 ब्रेथ्स। रिपीट द सेम पोज फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द लेग। This brings to the end of this video. जाते जाते इस video को like करिए, share करिए and subscribe to the channel. Have a good health and see you soon.